लोकसभा चुनाव के ऐलान में महज चंद हफ्तों की देरी है। देश में कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर अभी से सबकी नजर है। ऐसी ही सीट है यूपी की अमेठी सीट। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। 2019 में राहुल गांधी को उन्होंने चुनाव में मात दी थी। सियासी गलियारों में चर्चा और सवाल अब ये है कि क्या 2024 में भी अमेठी में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच हाई प्रोफाइल मुकाबला होगा। इस चर्चा के बीच आज के दिन अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों मौजूद होंगे। दोनों नेताओं की मौजूदगी के बाद अमेठी में सियासी गर्मी बढ़ गई है। अमेठी के हालात से अब पूरा देश अवगत है। AK-203 की फैक्ट्री बीजेपी ने दिलवाई। सबके सामने पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने यह फैक्ट्री दिलवाई। प्रधानमंत्री आगे झूठ कह जाते हैं। क्षेत्र ने एक ऐसा सांसद भी देखा जिनका परिवार पूरे देश की सत्ता को अपने हाथ में लेकर बैठा। सड़कों का जाल, चाहे वो PMGSY रोड हो, CRF हो या फिर नेशनल हाईवे हो, आप हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, अमेठी में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे अमेठी से निकलते हैं। अमेठी में तो सीधे कांटे की टक्कर की लड़ाई हुई, सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। एक तरफ एक परिवार था, दूसरी तरफ एक संगठन था जो परिवार की तरह काम करता है। तो ये रिश्ता जो है ये सालों पुराना रिश्ता है और ये सच्चाई का रिश्ता है, ये झूठा रिश्ता नहीं। 24 के चुनाव से पहले आज अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी की जंग का ट्रेलर दिखेगा। दो साल बाद आज अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी एक ही दिन मौजूद होंगे। आज फिर अमेठी में राहुल और स्मृति के बीच बयानबाजी वाली सियासत दिख सकती है। देश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे या नहीं यह अभी तय नहीं, लेकिन आज अमेठी की जमीन पर 2019 में टकराने वाले राहुल गांधी और स्मृति ईरानी फिर आमने सामने होंगे। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुँच रही है और वहीं आज स्मृति ईरानी भी अमेठी पहुँच रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज दोपहर 3 बजे अमेठी में प्रवेश करेगी। कोहरा ककवा से अमेठी की सीमा में प्रवेश करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी पुलिस लाइन, ककवा ओवरब्रिज, गांधी चौक, जामा मस्जिद, सागर तिराहा, देवी पाटन और वाराणसी से होकर गौरीगंज के गांधी नगर टोल प्लाजा के पास पहुंचेंगे। यहां राहुल गांधी जनसभा करेंगे। इस जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। 15 साल अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी 2019 में हार के बाद अमेठी में कम सक्रिय हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से चंद हफ्ते पहले राहुल के अमेठी पहुंचने पर अटकलें तेज हैं। अटकलें इसलिए भी क्योंकि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष घोषणा कर चुके हैं कि राहुल अगला चुनाव अमेठी से ही लड़ेंगे। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ते। अब स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई हैं। 13 रुपया किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई। उनसे पूछिए, 13 रुपया किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपया का चीनी कहाँ गया, जनता को जवाब दे। आज जब राहुल गांधी अमेठी पहुंचेंगे, इससे पहले स्मृति ईरानी अमेठी पहुंच चुकी होंगी। आज सुबह 11 बजे से स्मृति ईरानी अमेठी में लोगों से मुलाकात करेंगी। स्मृति टीकर माफी, भादर, भावापुर, रतापुर, सोनारी कला, रामगंज, नगड़ी, खाजा और नेवड़िया में जनसंवाद करेंगी। राहुल रात को फुर्सतगंज के अकेलवा मैदान में रात्रि विश्राम करेंगे, फिर अगली सुबह उनकी यात्रा रायबरेली की तरफ निकल जाएगी। लेकिन स्मृति ईरानी अगले 4 दिन अमेठी में ही रहेंगी। इस क्षेत्र ने एक ऐसा सांसद भी देखा जिनका परिवार पूरे देश की सत्ता को अपने हाथ में लेकर बैठा था और उस पूरे संसदीय कार्यकाल में उन्होंने इस प्लांट की ओर एक नजर तक नहीं देखा। आज मुझे कहते हुए हर्ष की अनुभूति होती है कि प्लांट की क्षमता में लगभग 6 गुना वृद्धि करने का अगर काम किसी ने किया है तो उस नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। आज अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी का जो माहौल देखेगा, उसकी शुरुआत 2014 में तब हुई थी जब स्मृति ईरानी राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ने अमेठी आई थी। राहुल और स्मृति ईरानी अमेठी से दो चुनाव में एक दूसरे के सामने रहे हैं।
2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को करीब 90,000 वोट से हराया था। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोट से हराया था। यानी कि अमेठी के चुनावी जंग में दोनों का स्कोर 1-1 से बराबर रहा है। एक तरफ एक परिवार था, दूसरी तरफ एक संगठन था जो परिवार की तरह काम करता है। तो आज अगर श्रेय देना है तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमारे संगठन को और स्वयंसेवकों को श्रेय देना चाहिए। और अगर आज की जीत मैं किसी को समर्पित कर पाऊँ तो वो कार्यकर्ता जो मौत के घाट उतारे गए केरल में और बंगाल में, ये उनको और उनके परिवारों के प्रति इसको मैं समर्पित करना चाहूँगी। और भाजपा के संगठन पर राहुल गांधी जी ने इतना विश्वास व्यक्त किया कि वो आश्वस्त हैं कि हम अमेठी की देखभाल करेंगे। यही विश्वास अमेठी ने भी आज अपने वोट के माध्यम से दिया। मैं अमेठी की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। 5 साल हारने के बाद रही, अब जीतने के बाद 5 साल उनकी सेवा करूंगी, ऐसा आश्वासन भी दिया। और वो जानते हैं कि एक बार जबान दी तो जबान रखूंगी। 2024 में अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी की चुनावी जंग होगी या नहीं, इसे लेकर अभी असमंजस है। हालांकि आज जब दोनों नेता अमेठी में होंगे तब भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे, क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा शहरी इलाकों से गुजरेगी, वहीं स्मृति ईरानी ग्रामीण इलाकों में जनसंवाद करेंगी। लेकिन इन दोनों नेताओं के एक साथ अमेठी में मौजूदगी से सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ गई है। ABP News आपको रखे आगे।